ग्राम पंचायत सरोली गांव में अत्यधिक कीचड़ होने के कारण परेशान जनता ने आज सुबह खुद मोर्चा संभाला और साफ सफाई की। इसमें खुद का ट्रैक्टर लगाकर कीचड़ को साफ कर वह खुद अस्थायी रूप से नाली का निर्माण किया। साथ ही प्रशासन की अनदेखी का शिकार होने का आरोप लगाकर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि अगर जल्द से जल्द गांव में कीचड़ की सफाई नाली निर्माण नहीं हुआ तो वह हाईवे जाम दूनी तहसील कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि वह हमेशा से राजनीति का शिकार होते हैं। हमेशा वोट के टाइम पर जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद उनको भूल जाते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रह जाती है। पंचायत समिति सदस्य बनवारी लाल जाट ने आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने रास्ता सुचारू रूप से चालू करवाया है। अभी तो हम रास्ता ही गांव का ही जाम कर रहे हैं, खंबे वम्बे काटेंगे अभी और पूरी कार्रवाई करेंगे। यहाँ इधर जाम कर देंगे हम और हाईवे तक भी जाएंगे हम। करने सुड़ा राय की तो हम हाईवे पे भी जाम लगाएंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच मेंबर साहब सबको हमने अवगत करा दिया है कि ये मेन रास्ता है सरोली गांव ग्राम का, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कीचड़ी कीचड़ हो रहा है, न कोई नाली निर्माण है, न कोई कुछ भी नहीं है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हमारी गांव वाले बार बार कीचड़ के आने जाने से बाहर आदमी सब परेशान होते हैं और इस समस्या का समाधान हमारे जल्दी से जल्दी करवाया जाए, नहीं तो अन्यथा में। और आपने आपने साफ सफाई की तब कोई ग्रामीण आपसे लड़ाई झगड़ा करते? लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, करते हैं लड़ाई झगड़ा। आपने प्रशासन को अवगत कराया इस मामले में? करवाया है ना, प्रशासन तो आता ही नहीं है, प्रशासन सुनता ही नहीं। इस रास्ते में आने जाने के लिए जगह ही नहीं है। अच्छा, खुद को करना पड़ता है ये? अपने निजी खर्चे से काम कर रहे हो? सब निजी खर्चे से कर रहे हैं अपने, वो कोई नहीं दे रहा है। ये कौन दे रहा है? सब अपने हिसाब से।